डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। पूर्व लद्दाख रे भारत चीन सीमा रे सृष्टि होइतिबा संघर्षर समाधान पई उभय देश उद्यम चलाइछंती। विवाद आगकु न बढ़िबा पई सहमति स्तर को आसीथिबा बेले आलोचना एवं एहा अधा मार्ग अतिक्रम करिछि। तबे स्थिति नियंत्रणधीन व स्थिर रहिछि। एहाद्वारा उभय बिवादर समाधान पाई इच्छुक बोली स्पष्ट करिछंती भारत रे नियुक्त चीन राष्ट्रदूत सन ओडेंग। तबे संदेह विभेद एक भूल मार्ग एवं एहा दुई देशर जनतांक आशा आकांक्षार परिपंथी। तेणु उभय उभयंकु सम्मान और समर्थन देवा आवश्यक बोली से कहिछंती। एहा पछरे उभय राष्ट्रर स्वार्थ निहित थिबा से स्पष्ट करिछंती। सन पुनर्बार भारतीय सेनाकु गलवान संघर्ष पाई दायी करिछंती। जून 15 रे भारतीय सेना एलओसी डेई चीन सेना को आक्रमण करथिला बोली से कहिछंती। तेबे सांप्रतिक आलोचना बेले दुई देश गलवान नदी डेई पेट्रोलिंग करबा किंबा कोनोसी निर्माण कार्य करिवे नाही बोली सम्मति प्रकाश करबा स उभय पक्ष निजरा निरीक्षण पोस्ट निर्माण पई निष्पत्ति नैथिबा बेले चीन निजरा निरीक्षण पोस्ट भांगिबा को पदक्षेप नैथिबा से सूचना देछंती। चीन एभली संघर्ष देखिबा को चाहे नाही बोली मध्य से कहिछंती। अन्य पटे भारतीय वैदेशिक मंत्रालय मुख्य पात्र अनुराग श्रीवास्तव कहिछन जे जून 6 रो राजीनामा आधार रे चीन सेना विवादीय स्थलरु प्रत्यावर्तन आरंभ करिछंती। एने अनुष्ठित कूटनैतिक आलोचना बेले सम्मति प्रकाश पाइथला। एथिसहित गलवान उपत्यका रे एलओसी आरपटे निर्माण करा दैथिबा शिविर को भांगिबा पई राज्य होइछि। चलित वर्ष चीन सेनार व्यवहार समस्त पूर्व राजीनामा और चुक्तिर विरोध चरण करिछे। सांप्रतिक विवाद एहार चरम दृष्टांत बोली से कहिछंती। चीन सेना बारंबार भारतीय पेट्रोलिंग दलकु विरोध करिबा सह भारतीय अंचलकु अनुप्रवेश करुछि बोली अनुराग कहिछंती। केवल पूर्व लद्दाख नुहे एलओसी रे अन्य स्थानरे मध्य चीनर व्यवहार एभली रहिछि बोली से दर्शाइछंती। तेबे तीन विवादीय अंचल गलवान उपत्यका हट स्पिंग और पानगंग सो ह्रद निकटरे उत्तेजना लागि रहिथिबा नै जातीय सुरक्षा परिषद बैठक रे आलोचना होइछि। एहि परिप्रेक्षी रे भारत पक्षरु लद्दाख सीमातकु अधिक सैन्य बल पठाइ जाइछि। गलवान और देपसंग सेक्टरर निज अंचल रे चीन सेना शिविर निर्माण करिथिबा उपग्रह चित्ररु जणा पड़िबा परे भारत एहि पदक्षेप नैछि। केवल लद्दाख नुहे चीन संलग्न 3488 किलोमीटर सीमांत रे निजर सामरिक शक्ति वृद्धि करबा पई भारत सरकार निष्पत्ति नैछंती। इंडो तिब्बतन सीमा सुरक्षा बल आईटीबीपी मुख्य एएसएस देसवाल ओ लेफ्टनेंट जनरल परमजीत सिंह को मध्यरे आलोचना परे ई पदक्षेप निया जाइछि। सीमांतर प्रत्येक पेट्रोल पॉइंट रे स्वाभाविक समय रे गोटिए प्लाटून बा 30 जवान मुतयन होतिबा बेले एणिकी गोटिए कंपनी बा 100 जवान मुतयन हेबे। सेथिपई सीमांत को अधिक आईटीबीपी जवान को पठा जाइछि। तबे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गलवान 15 कंगकल्ला ओ 17 गोग्रावा हॉट स्प्रिंग रे पहरा कडाकडी करा जबो। चीन एलओसी निकट रे 10,000 सैन्य ठुळ करबा स अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र जमा करिछि। चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 निकट रे सेतु निर्माण करबा सहित 15 निकट रे शिविर स्थापन करिछि। सेहिपरि 17 निकट रे विपुल सैन्य ठुळ करिछि चीन। पानगंग ह्रद निकट पिंगर 4 ठारे एहा 120 सामरिक जान बहु संख्या रे मोटर चालित नौका महजूद रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। घरे टेंशन बाहरे भी टेंशन पुअर चाकरी पई हो झीर बाहा घर पई हो घरे अशांति मुंड उपरे ऋणर बोझ कोर्ट कचेरी मामला आउ जमी जमा विवाद ए सब भितरे आपण माने घंटी हेउछंती ना ए सब टेंशन रो मुकुलिवार रास्ता खोजुछंती कि जानिबा को चाहुछंती आपण को समस्या रो समाधान केबे एवं किपरि हेबो देखंतु भाग्य चक्र आपण समस्त प्रश्नर उत्तर पाइपरिबे आम कार्यक्रम रे। भाग्यचक्र प्रति मंगलवार गुरुवार रविवार राति 9 रे केवल डीटीवी ओडिया रे। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।